अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा अलवी है। अलवी स्किल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए जो आज वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक पेज बनाने का तरीका देखेंगे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए एक प्रोफेशनल फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बना सकते हैं। ये फेसबुक बिजनेस पेज बेसिकली आपकी एक ऑनलाइन दुकान ही हुआ करती है, जिसके अंदर लोग आपको विजिट करेंगे। आपने अगर कोई अपनी सर्विसेज देनी है, या आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस दुनिया तक पहुंचानी है, तो उसके ज़रिए आपके पास एक बिजनेस पेज होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या जो भी आपकी ब्रांड अवेयरनेस है, आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिज़नेस पेज के थ्रू ही होती हैं। आपने बेशुमार ब्रांड्स फेसबुक पे ऐसे देखे होंगे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने भी फेसबुक पेज से ही जो है अपनी एक ऑनलाइन एग्जिस्टेंस पकड़ी है, जो अपनी प्रोडक्ट लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं और लोग उनके पेज पे आते हैं, उनको कोई भी उनकी सर्विसेज या उनकी प्रोडक्ट पसंद आती है तो वो चीज़ वो परचेज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बिज़नेस पेज के थ्रू ही की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक पेज की जो है मुकम्मल क्रिएशन देखते हैं कि फेसबुक पेज किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारा फेसबुक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने फेसबुक अकाउंट बनाने का तरीका देखा था, उसके बाद उसकी सेटिंग्स और ऑप्टिमाइजेशन देखी थी। आज की इस थर्ड वीडियो के अंदर हम फेसबुक पेज क्रिएशन की बात करेंगे। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी वो वीडियोस के लिंक ओपन करके देख सकते हैं। चूंकि मैं एक फेसबुक की मुकम्मल सीरीज बना रहा हूँ, जिसके अंदर इंशाल्लाह ए से लेकर जी तक फेसबुक की तमाम डिटेल जो है वो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और अपना फेसबुक का अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर लेता हूं। तो मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा, फेसबुक पेज बनाने के दो तरीके आप लोगों के सामने आएंगे। पहला तरीका जो है वो यहां पे आप देखेंगे, आपको मेन्यू की ऑप्शन शो हो रही होगी, ये 6 डॉट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज की ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक पेज बनाने का जो मेन लैंडिंग पेज है, आप उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी मेन फीड्स होती हैं, आप लेफ़्ट साइड पे अपने देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पेजेस की ऑप्शन शो हो रही है। ठीक है, ये भी वही उसी लैंडिंग पेज पे आपको ले जाएगी। यहाँ से जब आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, तो आप ये उसी जगह पे ही अपने लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से हम फेसबुक का पेज जो है क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आते हैं, सबसे पहले वो आपके पेज का नेम रिक्वायर्ड करता है कि जो भी आपने पेज बनाना है, आपने उसको आगे एज ए ब्रांड लेके चलना है। ठीक है, उसका जो है आपने फेसबुक का जो भी पेज आपके इंस्टीट्यूट का, आपकी दुकान का, आपके ब्रांड का, जो भी आपने रखना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उसको यहाँ पे पेज नेम में लिख लें। ठीक है, जैसे मैं फ़र्ज़ करें हमज़ा टेक के नाम से ही कोई चैनल बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं लोगों को टेक से रिलेटेड जो है वो गाइड करूँगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है वो कैटागरीज, कैटागरी यही होती है कि आप पेज बेसिकली किस मकसद के लिए, किस कैटागरी के लिए जो है ना आप ये बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये हमज़ा टेक जो पेज है ना, मैं बना रहा हूँ एज ए ट्यूटर, के मैं लोगों को गाइड करूँगा इसके अंदर। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई मैं हूँ ट्यूटर। देखें, ये उसने भी रिकमेंड कर दिया, यहाँ पे मैं ट्यूटर कर देता हूँ। अच्छा, और फिर दूसरा ये कि कैटेगरी आप तीन तरह से जो है ना, कैटेगरी की तीन ऑप्शन जो हैं वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ट्यूटर हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, मैं मतलब ये एजेंसी भी चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह देता हूँ मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन जो हैं, ये तीन कैटेगरी जो हैं मैंने अपने पेज की ऐड कर दी हैं। जी, उसके बाद आगे ये बायो की ऑप्शन आ जाती है। बायो के अंदर आपने अपना बायो डाटा लिखना है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, ये देखें, टेल पीपल अ लिटल अबाउट व्हाट डू यू डू, कि इसमें आपने अपने लोगों को बताना है कि भाई मैं क्या काम करता हूँ। अपना जो आपका पेज है उसका एक मखसूस और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है ना, आप इस बायो के अंदर लिख सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, इसका अच्छी बात है ये, आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि कोई भी बंदा आपके पेज के ऊपर जब पहली दफ़ा एंटर होगा तो उसके नज़र में जैसे ही आपका हमज़ा टेक है उसके नीचे में अपना बायो लिखा होगा तो ये एक तरह का जो है ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई एम अ फ्री लांसर डूइंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मतलब मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है ना इस जगह पे
वो लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने अपने ब्रांड के मुताबिक, अपने पेज की कैटेगरी के मुताबिक, इस जगह पे अपने मुताबिक जो भी बाया होगा आपका वो लिखना होगा आपने, ठीक है। यहाँ से आगे आप क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अ पेज पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा आपकी पेज की। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर दें, जैसे www. मैं कहता हूँ मेरी ये वेबसाइट है इस जगह पे ना, hamzatech.com, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर दी। यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं कोई भी अपना नंबर ऐड कर दूंगा। अच्छा, वो कह रहा है कि कंट्री कोड भी आप साथ लगाएं, +92, ठीक है जी। देखें ये भी टिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मेरी ईमेल है तो मैं वो ईमेल यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है जी। आगे यहाँ पे मैं अपना एड्रेस, अगर मेरी कोई शॉप बनाना चाह रहा हूँ, अगर कोई मेरा फिजिकल एड्रेस है तो वो मैं एड्रेस इस जगह पे दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं लाहौर ही लिख देता हूँ, एड्रेस सिटी में भी मैं लाहौर ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आपने लाहौर टाउन सिटी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। आगे आपका क्या पोस्ट कोड है, हम लिख लेते हैं कि भाई लाहौर का। आगे नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो आपने लोकेशन दी है उस पर आप कितने आवर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, नहीं होते, हमेशा ओपन होते हैं। देखें, लेट पीपल नाउ योर लोकेशन आवर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं अगले बंदे को शो ही नहीं करना चाहता कि मैं अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी दुकान जो है वो 24 घंटे ओपन होती है, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि मैं हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करता हूँ और 2 दिन मैं छुट्टी करता हूँ, तो यहाँ से आप मुकम्मल टाइमिंग जो है इसकी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मंडे को कहता हूँ कि मैं 1 बजे आ जाता हूँ, ठीक है, और 3 बजे तक मेरी टाइमिंग है, ठीक है। मैं दोपहर में 1 बजे आता हूँ और 3 बजे मेरी क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद ट्यूसडे में भी मेरी यही टाइमिंग है कि मैं कहता हूँ कि मैं 1 बजे आ जाता हूँ, और मतलब यहाँ पे आप ऐड कर लें 3 बजे चला जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी यही आप कर लें 01, ठीक है, 03। तो ये आप अपने मुताबिक यहाँ पे जो भी टाइमिंग है ना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी मुताबिक जो भी आपकी टाइमिंग होगी ना वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। फिलहाल हम इसको सेव नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं कि हमारी दुकान जो है वो ऑलवेज ओपन है। तो ये आगे कह रहा है कि पेज हेल्थ फेयर आ रहा है इस जगह पे। जैसे जैसे ही हम अपने अपने जो स्टेप हैं इनको आगे क्रॉस करते जाएंगे तो ये हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होती जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखें तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्टेप पे वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे प्रोफाइल जो पिक्चर है वो मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ से मैं अपनी कोई भी जो है वो इमेज प्रोफाइल के लिए यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि ऐड अ कवर फ़ोटो, आप अपना जो भी आपका कवर फ़ोटो होगा वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे कवर फ़ोटो पड़ा हुआ है, जैसे मैं कोई फ़िलहाल अपना ये वाला जो है कवर फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लोडिंग होगी। देखें दोस्तों, ये आपकी जो है कवर फ़ोटो भी यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसको आप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे ठीक है। अच्छा, आगे ये आ गया है ऐड एक्शन बटन। ऐड एक्शन बटन क्या होता है कि जैसे ये इस जगह पे फॉलो मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये हमारे बेसिकली जो है ऐड टू एक्शन बटन होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने पेज का जो मेन ऐड एक्शन बटन है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक नाउ, साइन अप, स्टार्टअप, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सेंड मैसेजेस के कोई भी बंदा इजीली हो उसका कॉल टू एक्शन जो मेरा बटन है वो मैं सेंड मैसेजेस पे ही रख देता हूँ, ठीक है जी। इनमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैसेंजर यहाँ से इसको हम सेव कर देते हैं जी। हमने ये देखें यहाँ पे मैसेजेस शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने अपना कॉल टू एक्शन बटन भी जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ से इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। देखें जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं तो इस जगह पे वो पेज हेल्थ जो थी वो गुड होने लग गई है। पहले फेयर आ रही थी, अब गुड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर चला जाता हूँ। अच्छा, देखें जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर आए हैं,
तो वो नेक्स्ट स्टेप पे ये आपको कह रहा है कि आप अपने इस पेज पे हमजा अलवी जो मेरी मेन प्रोफाइल है उसके थ्रू लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है स्टे इनफॉर्म अबाउट योर पेज। ठीक है, कि अगर कोई भी किसी किस्म का आपको नोटिफिकेशन आएगा तो उसको आपने यहाँ पे जो है उसको ऑन कर देना है। मार्केटिंग प्रमोशन ईमेल अबाउट योर पेज जो भी है आपको ईमेल पे एड्रेस पे यहाँ पे इसको आप इन सेटिंग्स को जो है ना ऑन ही रखें। यहाँ से इसको डन कर दें आप। तो दोस्तों देखें, जैसे ही आपने उसको वहाँ से डन किया तो वेलकम टू योर न्यू पेज, ये जो आपका वेलकम है ये फेसबुक की तरफ से आपको एक इसका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, टेक अ टूर आप करेंगे तो वो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बता देगा। यहाँ पे देखें, ये आपको बता रहा है कि आप अपने अकाउंट और आपका जो आपने पेज बनाया है उन दोनों के दरमियान जो है आप स्विच अगर आपने करना हो तो आप ये अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी अकाउंट से और अपने पेज की जो प्रोफाइल है उन दोनों के दरमियान जो है वो स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप बता रहा है कि आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं अपने पेज से रिलेटेड जो आपकी इनसाइट्स होंगी जब आप ऐड क्रिएट करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, जो आप टूल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए आगे आ गया एक्सप्लोर योर पेज फीड्स। बेसिकली ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इस जगह पे आप क्लिक करके जो आपके जो आपका पेज होगा उसकी जो फीड्स होंगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट कर लें। देखें जी, हमारा एक बिजनेस पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल है। देखें, चंद क्लिक्स के ऊपर जो है हमने अपना फेसबुक बिजनेस पेज बना लिया। इस जगह पे अभी ये 0 लाइक्स हैं, 0 फॉलोवर्स हैं, क्योंकि ये अभी हमने रिसेंटली ही पेज बनाया है। तो ये देखें, ये इसका मेन डेस्कटॉप आपको किस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक, तो इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक जो था वो सिर्फ बिजनेस पेज बनाने का तरीका था कि आप किस तरीके से एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज बना सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे कि इसकी जो भी सेटिंग्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन हैं उनको हम इंशाल्लाह तफसील के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखें ताकि फेसबुक पेज से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं उस वीडियो में आपको वो भी कवर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।